आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद बॉर्डर पर, जहां एक तरफ रोड जाती है मुर्गा मंडी के तरफ, दूसरी रोड जाती है वैशाली की तरफ और सीधी रोड जाती है दिल्ली की तरफ। यहां किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार के आगे रख रहे हैं। उनका प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, ये सारी बातें हम किसानों से करेंगे, उनकी क्या रणनीति है, आइए। कितनी नाराजगी है पापा? बहुत ज्यादा बेटा, बहुत दुखी है हम किसान। हाँ, कब से यहाँ पे आए हुए हम? तो 3-4 दिन से आए हैं यहाँ, पर 3 महीना हो गया, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ठंडी, बरसात, धूप, गर्मी, कुछ भी हो, जो गोले भी पड़ जाए, इससे ऊपर क्या गोला पड़ेगा, जहाँ किसान का सारे कुछ छीन लिया है। सरकार की नीतियों से बिल्कुल खुश नहीं? मैम क्यों खुश होंगे, जब मैम अन्नदाता खुश नहीं है तो ये लोग मैम क्यों? मैम मेरा सवाल ये है, युवा किसान होने के नाते मैम, मेरे दादा भी किसान थे, पापा भी किसान है, मैं भी किसान हूँ। अगर खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे हो गए तो वो भी किसान ही होंगे, है ना मैम? उस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, उसी में मरूँगा। अभी छोटा सा हूँ, ज़्यादा उम्र नहीं, 18 साल का हूँ। इतनी बात याद रखना कि मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ कि इसी साल मेरा वोटिंग कार्ड बना है। अगला इलेक्शन बार किसकी सरकार, इलेक्शन आने वाले हैं? ये तो मैम वो है ना कि ताश की गड्डी है, जितनी आप पीटोगे जो पत्ता ऊपर होगा वो खुलेगा, ये है। जो किसानों के साथ रहेगा वो सबका है, जो किसानों से दूर जाएगा वो बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जवान और किसान दोनों आमने सामने हैं। जवान जो है वो अपने फर्ज के आगे मजबूर है, किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे मजबूर हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मांग उनकी सुनी नहीं गई है। बातचीत करने का दावा सरकार कर रही है, लेकिन कोई भी बात अभी तक किसानों की सुनी नहीं गई है। कब तक प्रदर्शन करेंगे? आपके पैर में तो चप्पल भी नहीं है सर। बिल्कुल मैम, चप्पल नहीं है, और मेरे भाई का एक का कल यहाँ पे फ़ोन भी खो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, जान चले जाएगी पर यहाँ से हम जाएंगे नहीं जब तक मोदी सरकार ये बिल वापस नहीं लेगी। अब एक बात बताइए, हम भी इस देश के रहने वाले हैं, ये देश हमारा भी है, जितना देश इनका उतना देश हमारा भी है। और मेरा एक भाई इस देश के लिए शहीद भी हो चुका है, शहीद अंग्रेज सिंह, ठीक है? तो आज हमारे भाइयों को हमारे सामने खड़ा किया गया, ये इनमें से जितने जवान हैं सारे हमारे भाई हैं। जिस तरीके से ये बैरिगेट लगाई गई है, जिस तरीके से ये आगे इन्होंने सेना हमारे सामने खड़ी है, तो मजबूर है वो, तो मजबूर है ना, उनको अपना काम कर, मजबूर उनको भी तो मजबूरी है, खड़ा कर हमारे, मतलब भाई भाई को, आज एक भाई उधर खड़ा है एक भाई इधर खड़ा है, दोनों भाइयों को आज ये सरकार लड़ाना चाह रही है। क्या लगता है सरकार आपकी जो बात है वो सुनेगी, कब तक सुनेगी? मैम ऐसा है, कल परसों से जब हम आए थे यहाँ पे संख्या 100 में थी, आज हजारों में है, आप कल तक देखते जाइए यहाँ पर लाखों में संख्या हो जाएगी। हम उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगर बाजपुर तहसील से आए हैं, हम कल जब आए थे हम 200-300 लोग आए थे, आज हम 1000 लोग हो गए हैं। हमारे कल उधम सिंह नगर से 2-3 हज़ार लोग और आ रहे हैं, ऐसी हमारी संख्या सबकी बढ़ती जाएगी, तो हम ये बिल वापस करा के ही छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार ने अगर आपकी बात मानी लेकिन कंडीशन लगा दी, तो आप उस सरकार की बात को मानेंगे? मैम अगर तो जैसे हमारे किसान नेता और हमारे जो जैसे जत्थेबंदियां हैं वो सब लोग, बातचीत चल रही है, अगर उनको इस बिल में सरकार संशोधन कर देती है, MSP लिखित रूप में दे देते हैं सरकार, तो कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे, यहीं से वापस चले जाएंगे जंतर मंतर तक। जिद पकड़े हुए हैं, ऐसा सरकार कह रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जिद पकड़े हुए हैं कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन। कौन से लोगों ने आपसे, किस लोगों ने कहा है कि हमने जिद पकड़ी हुई है? ये सिर्फ भड़का रहे हैं, हमने कोई जिद नहीं पकड़ी हुई, सिर्फ हमारा मकसद है ये बिल वापस लें, और हम अपने, हमें खुशी नहीं है कि हम अपने जाके कपड़े फाड़ें या लोगों को प्रदर्शन दिखाएं या दिल्ली सरकार या दिल्ली के लोगों को परेशान करें, हमारा कोई मोटिव ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार और दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारा वो उगाया हुआ अन्न खाते हैं और ये हमारे साथ हैं। सिर्फ गोदी मीडिया किसी भी तरीके से इन्हें हमें अलग करना चाहती है, उन्हें भड़काना चाहती है और हमारे खिलाफ खड़ा करना चाहती है, मगर बहुत लोग समझदार हैं, अब पहले वाली जनता नहीं रही, पहले वाले हमारे भाई नहीं रहे, सब लोग समझदार हो गए हैं। पहले वाला किसान नहीं है, हम भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, हम भी पढ़े लिखे किसान हैं, रोजगार दे नहीं पाई ये सरकार, और अगर हम खेतीबाड़ी करना चाह रहे हैं तो वो खेतीबाड़ी भी हमारे से छीनी जा रही है। इसके इस
इस सोच को लेके आज की डेट में जितना आप यूथ देख रहे हो सब ये किसान के जवान यहाँ पर खड़े हैं। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग आते थे, आज हम बड़े बुजुर्गों के रास्ते पे चले हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट। कहीं ना कहीं सरकार नाकाम रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, सरकार एक बिल्कुल जीरो है। ये किसानों से लेके हर तरीके में ना रोजगार दे पाई है ये सरकार, ना किसानों के लिए है, बिल्कुल जीरो है ये सरकार। चाचा, बुआई चल रही है फसल की, इतना भरपाई जो नुकसान होगा कैसे करेंगे? हमारे बालकों को, बालकों ने कह दी है जैसा तुम वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे वैसा करें तो तुम लौट जाइयो, अन्य तुम्हारा यहाँ घर रहने का भिकार है, भिकार है घर रहने का अपना सड़कों पर। हाँ, उम्र कितनी हो गई है उसके बाद भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं? उम्र कितनी है? उम्र 80-85 की है। 80-85 साल के हो गया? हाँ हाँ, इतनी हो गई। प्रदर्शन कर रहे हैं, दवाई कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे दिक्कत तो है ही, किसानों को दिक्कत ना होती तो आज यहाँ आते। आपकी उम्र का भी तो असर पड़ रहा होगा ना चाचा? उम्र पर किसानों को तो खेतों में रहना है, पानी नहीं रहना। अरे बालक हमारे तरह जागरूक हुए हैं, इन्हें सब बात पकड़ लेंगे। ये हमें इतनी ज्ञान नहीं था पहले, नहीं हेलो आनी ना देते हम। कोई सरकार से कोई आया आपसे बात करने, आपसे मिलने? वहाँ खतरा है, उन्होंने बाउंड्री करवा रखे, वह गोली भी चला सकते हैं, गवर्नमेंट पकड़ भी सकती है। वहाँ चारों ओर से ग्राउंड बंद है, अगर झगड़ा हो जाएगा फिर क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ तक खोले में खूब बजाएंगे, ये भी बजाओ हम भी बजाएंगे। चाचा, क्या कुछ मांग है सरकार से आपकी? हमारी विरोध लड़ाई ये है, जो ये पैसा घटा रहे हैं उसमें गुमराह कर रहे हैं। गुमराह का मतलब ये कह रहे कुछ है, करना कुछ है इनका। आपको मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है चाचा? ना, मोदी से बिल्कुल ही भरोसा उठकर नहीं। अब लोग मोदी जिताया, सगले काम मोदी ने लगे, यूं है बगर राय में किसी ने ऐसा फंसा दिया, किसानों को घर से बेघर करने के चक्कर में लग रहा। मोदी जी तो कह रहे थे कि जो किसान बिल आया है वो आपके हित में है। ना ना, यूं तो सब इनका वैसी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, ये सब फॉर्मेलिटी पूरे कर रहे हैं। किसान तो सड़क पर खड़ा कर दे इन्होंने, माल कौन लेगा, पैसा कौन लेगा, किसान तो किसान को न मिला ठन्नी भी। आगे की क्या रणनीति है? यूरिया आगे जाता है, मानेंगे नहीं फिर, जो भी हमारे पे होगा तोड़ फोड़ लठबाजी जैसे भी मनेगी मनेगी मारेंगे, लेकिन हक लेकर बैठेंगे। सोच क्या आई है, लड़ाई आर पार की होनी है, काम का समय है, सीजन चल रहा है गेहूँ की बुआई का, गन्ने की छिलाई का, लेकिन आप देखेंगे फिर भी यहाँ अपने हक के लिए यहाँ पे पड़े हैं। सरकार के प्रति अविश्वास बहुत ज़्यादा है, अविश्वास के कारण कई हैं कि सरकार अपने वादों पे पूरा नहीं उतर रही। गन्ने का पेमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 14 दिन के अंदर किसान का पेमेंट हो जाना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, लेकिन आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को भी ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। आज किसान गन्ने के पेमेंट के लिए भी परेशान है, बहुत दिनों से तहसील स्तर पे भी या जिला स्तर पे भी प्रदर्शन कर करके थक गया। जहां किसान की आरसी कट जाती है थोड़े से कर्ज के लिए, उसे तहसील में उठा के बंद कर देते हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं है कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। तो इस कई सारे मुद्दे हैं, आवारा जानवर आवारा पशु फसल बर्बाद कर रही है, इसके विषय में भी तो असंतोष के बहुत सारे कारण हैं, सबकी अलग अलग परेशानियां हैं। आप ये देखिए, एमएसपी के लिए बोलते हैं कि ये बरगला रहे हैं, आप ये बताइए कि अभी मौजूदा हालत में भी जहां धान का एमएसपी 1800 कुछ रुपए है, आधे दाम पे किसान बेचने के लिए मजबूर हो रहा है, तो इस एमएसपी का फिर फायदा क्या है, क्यों एमएसपी है? एमएसपी में क्या चाहते हैं आप, एमएसपी में क्या कानून चाहते हैं? एमएसपी पे ये चाहते हैं कि एमएसपी से नीचे यदि कोई खरीदेगा तो वो कानूनी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं होनी चाहिए। सरकार एमएसपी पे खरीद नहीं रही, किसान को मजबूर होकर अपनी फसल कम दामों पे बेचनी पड़ रही है, तो ऐसी एमएसपी का फायदा क्या है? पहले बात तो हमारा जो गेहूँ है पिछले साल जो हमने पैदा करा था, वो हमारा गेहूं हमारे पास बचा हुआ है, क्योंकि जो हमारा खर्चा उसे पैदा करने में वही हमारा 1900-2000 रुपये प्रति क्विंटल का आया है, और मार्केट में भाव है 1500 रुपये 1400 रुपये क्विंटल का। अरे सुनो सुनो तो सही, 1500-1400 रुपये क्विंटल का है। तो जो गेहूं है अभी हमारे पास ही है,
हमने बेचने है, हमें ज़रूरत ही ना गेहूँ बेचने की, हम अब के साल फिर खा लेंगे, भूखे तो ये मरेंगे, ये पैसे नहीं खाने के रुपया, इन्हें भी अन्न ही खाना पड़ेगा। किसान तो कर लेगा, अपना खाएगा अपना बोएगा, ये क्या खाएंगे। इस प्रदर्शन से आपकी मांगे पूरी होंगी, सरकार सुनेगी आपकी बात। हमारे तो यही है जी, पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव सोच है, हम अपना जो भी धरना कर रहे हैं शांतिपूर्वक धरना है हमारा, सुनेगी नहीं सुनेगी तो जंतर मंतर जाएंगे, रामलीला ग्राउंड जाएंगे, भीड़ बढ़ रही है डेली आते जाएंगे, गांव से आदमी इतने बढ़ रहे हैं, हंगामा नहीं करेंगे। हंगामा तो हम तीन के बाद भी नहीं करेंगे, हंगामा करने का तो हमारा काम ही नहीं है। 2018 में हमारी यात्रा आई थी हरिद्वार से, यहाँ 1 लाख आदमी थे, उसमें हमने किसी की यहाँ एक केले का भी नुकसान नहीं हुआ, हमारी यात्रा अनुशासन में बिल्कुल। परमिशन तो दी गई आपको धरने प्रदर्शन के लिए, परमिशन दी गई गुवाड़ी उस पे, लेकिन आप यहाँ पे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। कहाँ कर रहे थे हम प्रदर्शन, मांग कर रहे हैं कि जंतर यहाँ प्रदर्शन होने की जगह कहाँ जानते हैं, कहाँ जानते हैं। मंत्र जाएं हम, रामलीला ग्राउंड जाएं हम, संसद स्ट्रीट जाएं, जहाँ धरने की संविधान में जगह लिखी हुई है वहाँ जाने दो, हम तो शांतिपूर्वक धरना करेंगे। गुवाड़ी में बोल रहे हैं वहाँ क्यों नहीं जा, गुवाड़ी में बोला जा रहा है वहाँ क्यों नहीं जा। बुराड़ी को खेत है बुराड़ी, तो इसे तो हम अपने गाँव में बैठ लेंगे, हमारी वहाँ सुनेगा कौन, क्यों जाए हम वहाँ झाड़ झुंडों में खेत में। कोई सरकार से कोई आया आपसे बात करने, आपसे मिलने, वहाँ खतरा है, इन्होंने बाउंड्री करवा रखी है, गोली भी चला सकती है गवर्नमेंट, पकड़ भी सकती है वहाँ, वहाँ चारों ओर से ग्राउंड बंद है, तो वहाँ काम अगर झगड़ा हो जाएगा फिर क्या करेंगे, तो इसलिए यहाँ तक खोले में खूब बजाएंगे, ये भी बजाओ हम भी बजाएंगे। सरकार आपसे लगातार बात करने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ बातें अभी निकल के आई है, क्या रणनीति आपने बनाई। बात मान लेगी हमारी, जो बात मानने की वो तो हटेंगे, नहीं तो ना हटेंगे, आश्वासन पर नहीं हटे हम, अगर आश्वासन देते रहे, इनकी सारी बात झूठी है। सरकार ने तो ये भी कही कि हम 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, आज तक नहीं है हमारे, 1-1 साल में पेमेंट हो रहा है, 1 साल बाद पेमेंट हो रहा, किसान तड़प रहे हैं, और इन्होंने पहले भी कह दिया कि हम हटा लेंगे इसे करेंगे, एक ही लाइन तय है MS से लिया जाएगा, वो है MS से ऊपर चलेगा, उसमें एक ही लाइन लिख रही है, MS को जोड़ के चल दो, MS जुड़ेगा। MSP के लिए सरकार तो बोल रही है कि MSP जो है वो सही है, जो नियम आया है वो एकदम सही बनाया है किसानों का, है नियम आया है तो नियम लागू भी तो हुआ है, उसे फेल करने का बदलने में क्या हुआ है, किसान का भी तो हित होना चाहिए कुछ। क्या चाहते हैं नियम में, क्या बदलाव आए किसान, यू है कि हमारा जो माल है SMC से ऊपर लिया जावे, SMC मुख्य माल माना जाए, जैसे कि रजिस्ट्री करते हैं हम जमीनों की, उस पर सर्कुलेट कायम है, उससे नीचे कर लिया था उस पर जुर्माना, जो कोई इससे नीचे कोई खरीद दे उस पर दावे हों, उस पर केस चले और उसकी सजा बुलाए उसे, जो कोई इससे नीचे ले MSC से ऊपर भाव करके ले, वह MSC एक मुख्य होगा सरकारी रेट, अगर इतने से नीचे लिया नहीं जाएगा। और भी चीज़ों के हैं, ये इतना नुकसान हो रहा है, फसलों की बुआई का समय है, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे चलेगा। जब भूखे मरेंगे और देश भी तो भूखा मरेगा, किसान मरेगा, देश है अब क्या, जांच पड़ जाएगी, सरकार को भी कहाँ से लेगी, सब किसान छोड़ देंगे, हम अपने लाख खाने लाख कर लेंगे 2 बीघे में। किसान अब डेलीगेशन गया हुआ है किसानों का, अगर किसान के हक में सरकार फैसला देती है तो किसान को वापस लौटने में कोई आपत्ति नहीं, अन्यथा किसान यहाँ 4-4 महीने का राशन लेकर के आया है, किसान हर एक परिस्थिति से हर एक संघर्ष के लिए तैयार खड़ा है। सिस्टम ये मैडम कि जो कानून सरकार लेकर के आई 3 अध्यादेश, महामारी के दौर में जब सरकार को ये था कि किसानों को एक सब्सिडी दे जिससे किसान अपना परिवार चला सके, लेकिन इसी महामारी के दौर में 3 अध्यादेश किसान पर ऐसे थोपे गए कि किसान को पूर्ण रूप से तबाह करना चाहती है सरकार। प्राइवेट सेक्टर को देश में ला करके किसान को सस्ता मजदूर बनाना चाहती है सरकार। जिस देश में आज 62 करोड़ किसान बचेरा करता है, उन 62 करोड़ किसानों के जीवन से खेलना चाहती है सरकार। एक मुद्दा क्या चल रहा है देश के अंदर, सरकार क्या चला रही है, कहने लगे कि 1-2 प्रदेश के किसान परेशान है, हरियाणा पंजाब का किसान क्यों आंदोलन कर रहा है, आप ट्रेन चला दीजिएगा, तमिलनाडु का किसान सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचेगा, हर एक राज्य से किसान यहाँ पर आने का काम करेगा। जब ऐसी महामारी में ट्रेन बंधे, बसें बंधे, हर चीज़ से किसान परेशान है, किसान भी कोई ऐसा साधन तो नहीं कि वो 1-2 मिनट में आ जाएगा, किसान ट्रैक्टरों से यहाँ पर आज कूच करने पर बड़ा हुआ है, हर एक गांव में किसान तैयारी से बैठा है। अगर किसान को परिणाम किसान के हित में नहीं आते तो किसान पूर्ण रूप से दिल्ली को घेरने का काम करेगा। विपक्ष पे आरोप है कि आपको बरगला रहे हैं, कितनी सच्चाई इस बात में। देखिए विपक्ष हमें क्यों बरगलाएगा, किसान इतना भोला नहीं, राज किसान का बच्चा PhD कर रहा है, किसान का बच्चा BSc कर रहा है, किसान का बच्चा आज
पॉलिटिक्स साइंस में है, राजनीति में है, तो किसान को बरगलाने का काम कौन करेगा? किसान अपना अच्छा भला खुद जानता है। किसान तो चौधरी चरण सिंह के समय से, महेंद्र सिंह बाबा टिकैत जी के समय से अपने बल पर लड़ाई लड़ता है। किसान किसी विपक्ष का है, किसी राजनीतिक पार्टी का मोहताज नहीं है। अगर सरकार हमारे हक में फैसला सुनाती है तो तब भी ठीक है। अगर सरकार के मन में यह मनसा है कि वो अपनी ताकत के बल पर, अपने पूर्ण बहुमत के बल पर सदन में, संसद में कोई बिल लाकर किसानों के खिलाफ पेश करेगी, तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब देश का 62 करोड़ किसान उठ खड़ा होगा, वो देश की बुनियादों को हिला करके रखने का काम करेगा, यहाँ रोड जाम करके रखने का काम करेगा। हम शांतिपूर्वक इस धरने को चला रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात क्या फैलाई जा रही है कि इसमें खालिस्तानी, इसमें आतंकवादी है, आप उसको पकड़िएगा। किसान ये देश का अन्नदाता है, ये देश की धरती माँ से प्यार करता है, ये इसी धरती को चीर कर देश को अन्न उगा करके देश को पालने का काम करता है। अगर सरकार इस तरह की बात, अफवाह किसान के बारे में फैलाएगी, वो देश के लिए घोर निंदाजनक है। किसान के लिए सबसे बड़ा, आज सरकार किसान पर हमला करने का काम कर रही है। सरकार आज जो अपनी जुबानी भाषा से किसान पर हमला कर रही है, सरकार ने आज किसान को अपना विपक्ष बनाने का काम किया है। सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो 3 काले कानून हैं, इनको बस वापस ले लें। कौन से कानून? ये जो 3 कानून लाई है सरकार, 3 अध्यादेश जो लाई, इनको वापस ले ले, इनसे किसान का भला हो जाएगा, ये वापस चले जाएंगे, किसान अपने घरों पर चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अगर सरकार आपकी बात मान जाती है तो आप यहीं से वापस चले जाएंगे? वापस चले जाएंगे, अगर किसान आज ही वापस चले जाएंगे सब, अगर ये सारे 3 कानून वापस ले लें। और अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, कोई शर्त के साथ मानी, तो आप क्या करेंगे? बस इससे नहीं मानी तो अभी इतना मामला चल रहा है, इससे आगे बढ़ के भी देखेंगे कुछ और काम। जो घोषणाएं हैं सब इनकी निष्क्रिय चल रही हैं। आज किसान जमीन पे आ गया है, किसान को कोई लागत मूल्य मिल रही है? भाई कर्जा माफी की बात चली थी, कर्जा भी नहीं माफ हो रहा किसान का। अभी तक कर्जा भी माफ नहीं हुआ। कहाँ माफ हुआ बताइए, कहीं माफ हुआ? आप लोग तो मीडिया से बिलोंग कर रही हो, आप लोग बताइए कहीं कर्जा किसान का माफ हुआ? और किसान की वसूली चल रही, किसान को जेल भेजा जा रहा है, कोई भी योजना का लाभ अभी तक आप लोग को नहीं मिला? कुछ नहीं है, सब कागजों में चल रही, यह तो झूठी सरकार है भाई। ऐसी सरकार 70 सालों में जो ना हमने भी देखी, लोगों को बहुत इस पे वो था कि भाई मोदी की सरकार होगी बहुत कुछ होगा। एक काम तो इन्होंने कराया, एक तो बहुत अच्छा कराया, जो विकास और आमदनी दुगुनी बता रहे थे ना, जहाँ 5,000 रुपये इस पर चलती वहाँ 10,000 ही भ्रष्टाचार तो दुगुना होगा। और इनका इतना भ्रष्ट मामला होगा, फिलहाल भाई फसल हम तैयार कर रहे हैं, तुम कौन होते हो उसका मूल्य निर्धारण करने वाले? सरकार तो कही मेरी सरकार बनी, भ्रष्टाचार खत्म। भ्रष्टाचार तो ऐसा ना, धरातल पर तो हम रहे हैं, जो हड़ बाबा का हड़ चलाने का तो उसे पता, एक इंजीनियर थोड़ा हड़ बाया देगा, हमें पता कि तहसील में थानों में देख लो जाके क्या पोजिशन है। ये बीजेपी वाले हो गए, ये कहीं ऑस्ट्रेलिया तो या अफ्रीका तो वोट लाए थे, वोट तो हमने दे रखी, ये टिक्के लगा कर बैठे तो इनको वोट, अगर उस दिन जड्डा हो जाए, गर्मी हो जाए, वोट यहाँ गिरने जाते नहीं है। सरकार हमने बढ़े जब तो भुगत रहे, बाप जो है बच्चों पैदा करो और उसकी तरफ एंठन हो, क्या कर लेंगे? इतनी लूट खसोट चल रही है, जो काम 1,000 रुपये का होता वो 5,000 रुपये में हो रहा, और पुलिस और अधिकारी दोनों तरफ से ले रहे, सरकार दोनों। भाई एक बात बताओ, आप भी मोबाइल चला रहे, हम भी मोबाइल चला रहे, कौन सा मोबाइल हो 20,000 रुपये का उसका? वो अब इन्हें सरकार क्यों दे रही 20,000 रुपये? कहाँ थे इन्हें जो है ना, इन्होंने अपनी तनख्वाही बढ़ा ली तो 2-2.5 लाख रुपये। ये जो आज हम उसमें बुला रहे, कौन सा वो फील्ड है, बुराइडी में, इन्होंने जो अपनी तनख्वाह बढ़ाई थी और बुराइडी बैठ के बढ़ाई थी, उसका तो पता भी लगा था रात तो रात, 50,000 तो 2.5 लाख रुपये इनकी वो होगी आज सैलरी। एक आदमी 20 साल पढ़ता है, 25 साल पढ़ता है, जब उसे जाकर तनख्वाह मिलना शुरू हो, और इनके अगर ये 10 दिन MP MLA रह लिए, इनकी पेंशन हो जा, हवाई जहाज, रेलवे, इनके बच्चे VIP गाड़ियों में बैठे फिर रहे। और भाई दिल्ली की रही बात, दिल्ली आप ये बताओ, दिल्ली कहाँ तो ले थे ठहरा कर, दिल्ली तो किसानों की जमीन है। तो आपको क्या लगता है, मायावती सरकार, अखिलेश सरकार या योगी सरकार, किसकी सरकार में आपको ज्यादा फायदा मिला, भ्रष्टाचार कम रहा, तकलीफ इतनी उठानी नहीं पड़ी? देखियो सुनो बात, हम किसी भी सरकारों के खिलाफ नहीं, सरकार हम चुनते हैं, जो इनकी नीति और रीति है हम उनके खिलाफ हैं। सठे साठम समाज थे, जैसे कि साथ तैसा व्यवहार, और जब एक बड़ों की कहावत है, ग्रामीण कहावत है, कि जब गद्दड़ के मरने के दिन आओ कहाँ सामी भागो। इसे सरकार को ये जब भ्रष्ट तंत्र है जो बैठा है, ये उल्टी सुलटी बात जो ना वहाँ की दें योगी जी को, बैठ कर योगी जी को पता तो है नहीं धरती है धरातल पर क्या हो रहा है, ये ऐसे लेकर बैठेंगे। सरकार से किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन ये जो बीज के बिचौलिए हैं, और ये इस सरकार में हम तो चाह रहे थे किसानों का भला होगा, लेकिन जो सरमाएदार था, जिस पर 10,000 करोड़ की पूंजी थी, वो आज कहीं 50,000 करोड़ का है, और ये तो बढ़ते जा रहे, पूंजीपतियों की सरकार बन गया। इन्हों तो किसान जो है, जो अन्नदाता है, भाई एक बात बताओ,
यहाँ से गाजियाबाद से हिमालयन दिखने लगा था। जब लॉकडाउन चला था गाजियाबाद सहारनपुर जनपद मुजफ्फरनगर से हिमालय चोटी दिखने लगी थी। किसान तो जब भी सक्रिय था, किसान को भी पता नहीं था कोरोना है क्या। ग्रामीण क्षेत्र में कोई कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ। ये जो है प्रदूषण इन्होंने जो दिल्ली है ना, हम तो यहाँ आना चाह रहे, यहाँ तो अंकों में झाड़ मरण लगो, हम तो स्वच्छ उसमें रह रहे। और ये जो कह रहे हैं कि प्रदूषण हमने कर दिया, पुराली हमने फूंक दी, इनका पाँच पाँच ए सी लग रहे एक बिल्डिंग में, पाँच पाँच एक घर में, अगर पाँच बच्चे हैं और वो अपने आप हैं छेन का गाड़ी हों, प्रदूषण ये कर रहे हैं इन्होंने, तो ये बम का गोला बना रखा दिल्ली नहीं है। और हम तो इनसे ये निवेदन करना चाह रहे भाई साहब, दिल्ली ये किसानों की है, अन्नदाताओं की है, और दिल्ली में हमने बैठा रखी है। अगर हम आपको दिल्ली में बैठाना जानते हैं तो आप जो है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कर्नाटक, जहाँ जहाँ के एम पी एम एल ए ना, सिर पकड़ को रोया था योगी सिर, अब से 10 साल पहले वहाँ कूक मार को रो रहा था, संसद में मेरी पिटाई करी है सरकारों ने, वही दिन इनका आने वाला है। बस झेल रहे जी, झेलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब सर्दी हो या गर्मी हो, सब कुछ झेल रहे हैं, यहाँ देखो कितनी गंदगी है, रह रहे हम तो खेती में भी, खेती करें यहीं, सोच लेंगे भाई यहीं पड़े, और क्या होगा। आज बात होनी थी सरकार से, देखो हो रही है, पता लगेगा जब लगेगा, जब उसका रिजल्ट आएगा पता लगेगा आपको भी और हमें भी पता लगेगा, अभी हमें तो पता नहीं। सरकार की गलत नीतियों के आधार पर आज किसान मजदूर सड़कों पर आ गया है। हिंदुस्तान में जो मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जो वादे किए थे वो सरासर झूठे, बहुत सारे वादे किए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तो बेटी पढ़ रही है ना बच रही है। और किसानों के जो हित में आज सरकार ने जो भी किया है, ये बिल पास किए हैं सरकार अपने जितने भी निर्णय गलत, जितनी नीतियाँ गलत ले रही है उनको वापस ले, इसी आधार पर ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होने की तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे अपना। यूपी सरकार तो डंगे की चोट पे कहती है कि बेटियां पढ़ भी रही हैं और बेटियां बच भी रही हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, आप न्यूज में चैनल में देखते हो अभी ये वारदात होती है, न्यूज में चैनल में काफी बड़े बड़े मामले चल रहे हैं, बेटियों के साथ रेप भी हो रहे हैं। और बोल लो यूपी सरकार का मंत्री तो था वो, जो बेटी की रक्षा कर रहा था, जो जेल में पड़ा वो यूपी सरकार का मंत्री ही था, और कुछ विधायक भी हैं, कुछ अधिकारी भी पड़े। देखो इनका कहने में और करने में बहुत फर्क है। हमारे साथ इस समय जिला महामंत्री अशोक कुमार मौजूद है, क्या मांग है आपकी सरकार? मांग तो यह कहना है, पहले तो हम अपनी सरकार ढूंढ रहे, जो पिछले 7 साल में हम सरकार ढूंढ नहीं पाए उसे देखने आए थे, हमारी सरकार जो हमने बनाई किसान ने वह सरकार है कहाँ। दूसरी मांग हमारी यह है कि MSP मूल्य जो सरकार ने घोषित कराया, अपने वादे थे झूठ पड़ रही सरकार, उसे लागू क्यों नहीं करती? भाई धान का मूल्य 1866 रुपये और बिखरे 800 रुपये प्रति क्विंटल, कहाँ का है यू? गन्ने का 285 है और 200 रुपये प्रति क्विंटल बिखरा, कहाँ का कानून है यू? जब अपनी जबान का पूरा तो पड़ा है सरकार, तो हम तो अपनी सरकार देखना है रे, और 26 जनवरी तक यहीं रहेंगे, देख जाएंगे सरकार कहाँ है जो सी हमने बनाई थी। 26 जनवरी तक यहीं पे रहेंगे, हमने तो पता लग गया अंबानी की जेब पड़ी सरकार, हम तो अंबानी रडानी तक पूछना है सरकार कहाँ है हमारी सरकार दे दो। मोदी जी ने तो कहा कि जो MSP बनी है, जो कानून बनाया है, वो किसानों के हित में है। वह झूठी बात, झूठी, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा, अपनी भाषा तय मुखर रहा, सर्वोच्च न्यायालय देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति घोषित कर रहे कि किसान अपनी फसल कहीं बेचेगा। हरियाणा में किसी यूपी के किसान का तो दान भी कर नहीं दिया, बॉर्डर पर सील कर दिया बॉर्डर, कहाँ का कानून है यू? कानून और किसान ने अपनी बात का कहने का अधिकार है, अपनी बात कहने रहे हम यहाँ, अपनी सरकार ढूंढने रहे, सरकार गई कहाँ जो सी हमने 7 साल हो गए बनाई थी, और MSP मूल्य अपनी जवान का पूरा पड़े और इसे कानून बनावे, जब किसान यहाँ जाएगा, नहीं तो जागा नहीं। धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे? जारी रहेगा, ऐसे ही खाना लेकर, खाना पानी पीना लेकर रहे तो 6-6 महीने ही रहने वाले हैं, घर तक कह खाए मकाई भी नहीं आने के, हमें भी तो अपनी सरकार ढूंढेंगे, MSP मूल्य रेट करवाओगे घोषित। सरकार से क्या अपील कर रहे हैं आप? सरकार तो नु कह रहे हैं किसान क्यों आ रहा उंग तो उधर, तो सरकार यह कह रही अगर इस देश का किसान नहीं भगवान आया है, अरे ये भगवान यहाँ पड़ा और सरकार के नुमाइंदे झूठ बोल रहे, ये क्या कानून है? और भाई जब सरकार यूँ कहे अग भाई हम किसान के फायदे में है, तो भाई कानून क्यों हट लगा रही है? भाई जब किसान नाराज है, किसान के लिए तो कानून है भाई, कानून ना हटा दो, जैसे चल रहा है ऐसे चलन दो भाई, मानने की बात है नहीं है भाई, किसान का पैसा तो इसने इन्हें देना नहीं। MSP ठीक नहीं लग रही है आप? MSP कुछ भी ठीक नहीं लग रहा,
एमएसपी ठीक नहीं लग रही, अभी तो किसान घर छोड़ कर यहाँ रहा। जड्डे में पढ़ा, कहीं दिन रहो यहाँ पढ़े, यहाँ तो जाने वाले नहीं इतना। कहाँ से आए? सहारनपुर। तो कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। कैसे बसर कर रहे हैं यहाँ? बस यहीं से कंबल कुंबल में पड़ जा, कंबल कुंबल में पड़ जा, यहीं से यहीं पड़े रहेंगे, इतना जाने के नहीं। जब तक किसानों का समाधान नहीं होता, कानून वापस नहीं होते, या लिखे नहीं देते कि जो कम खरीदेगा मुकदमे उसके खिलाफ मुकदमा कर जाएगा, भाई ये डटेंगे अपना। तो फैसला लेगी अगर उसमें उसने इफ बट कंडीशन लगा दी, तो क्या वो फैसला आप मानेंगे? कंडीशन बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो सरकार हमारे हिसाब से चलेगी उस पर फैसला करेंगे, वरना सरकार को ये बता दिया जाए कि यहाँ पर जो भी किसान है और जितने जितने बॉर्डर पर बैठा है वो पूरा पूरा एक एक साल का राशन पानी लेकर बैठा है और यहाँ से बिल्कुल हिलने वाला नहीं है। और ये दिखा दीजिए बैरिकेटर सरकार को, ये बहुत जल्द इस आदेश के साथ टूटने वाले हैं। तोड़ के रहेंगे आर पार की? बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से, लड़के मर के चाहे मरने पड़ेंगे। किसान तो पहले ही मरा हुआ है, चाहे इसके बाद भी मरना पड़े, फिर मरेंगे और मरेगा, और जिसके बाद भी हम अपनी बात अपनी यहीं बनाएंगे। बीच में यहाँ मौजूद हर एक किसान ने अपनी अपना दर्द बताया है, अपनी पीड़ा बताई है कि वो सरकार के इस आदेश से कितना नाखुश है। सरकार से लगातार अपील कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, ऐसे हालात बने हुए हैं प्रदर्शन के, लगातार पुलिस एक तरफ मौजूद है, एक तरफ किसान मौजूद हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बातों पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लगातार बात होती है लेकिन नतीजे अभी तक नहीं आए। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब सरकार इन किसानों की सुनेगी, इन अन्नदाताओं की सुनेगी। जैसे देख सकते हैं आप, हमारे साथ इतने सारे किसान मौजूद हैं, एक तरह से चौपाल लगी है, रहने की पूरी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, सिलेंडर रखा है, रजाई गद्दे मौजूद है, पूरा राशन मौजूद है, पूरा पूरा का पूरा राशन मौजूद है। अभी तो जब आए हैं घर से यही सोच के आए थे कि भाई जो हम जिस लिए जा रहे हैं जब तक वो काम पूरा नहीं होगा लौट के नहीं आएंगे। हम तो हैं ही यहाँ पर, अभी और गांव में हमने फ़ोन किए हुए हैं, तो वो लोग भी अभी और आ रहे हैं। ये देख रहे थे कि आज वार्ता का समय है, तो हो ना हो कि भाई वार्ता में शायद कुछ सुलट जाए, लेकिन लगता नहीं ऐसा कि वार्ता से उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि बात में सब निपटेगा। नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं आ रही। टिकैत साहब नेताजी हैं, जो भी उनका दिशा निर्देश होगा वो उनका पालन होगा, उसी के अनुसार हम यहाँ जमे रहेंगे। और जो भी इन्होंने कृषि कानून लागू करा है इसी के माध्यम से यहाँ सब हम रुके हुए हैं। हम चाहेंगे जो MSP से इन्होंने रेट लागू करा है, किसानों के हित में जो है ये कृषि MSP को एक कानून के रूप में, कानून से खुश नहीं है आप? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल खुश नहीं, विरोध में किसान, इसे नुकसान में किसान को इन्होंने बर्बाद कर दिया इन्होंने किसान की। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? चार दिन हो गए चार दिन से यही बिस्तर लग रहा है, बिस्तर लगाए हुए हैं हम 4 दिन से। प्रदर्शन करते हैं रात में, आप यहाँ सोते हैं? नहीं, सोते भी हैं, खाते पीते हैं, प्रदर्शन करते हैं। हमारा तो घर बार से छोड़ कर आए हैं। जब लोग भाई घर में क्या, जब हमारे बच्चे भूखे, बच्चे बीबी बच्चे सारे भूखे मरेंगे, परेशान है, पैसा हमारे पास नहीं है, सरकार हमारी फसलों का वाजिब दाम नहीं दे रही, तो हम क्या करना है? वहाँ भी भूखे मरना है, अभी रहना हमें तो घर से बाहर निकले। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार? अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज जो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, कृषि ये जो भी उन्होंने बिल पास करा है सब वापस ले रहा है, तो हम उनकी क्यों मानना है? उनके को गुलाम है हम भाई, जो कानून पास कर दिया एक लाइन हमारे कैसे भी लिख दो कि जो MSP से निर्धारित से कम रेट पर कोई बिचौलिया बेचता पकड़ा जाता है या खरीदता पाया जाता है वो सीधा जेल जाएगा। उन्होंने तो बोला जो कानून बना है, उन्होंने तो बोला कि जो कानून बना है वो किसानों के हित के लिए है। इन्हें ज़्यादा हित की पता, हमारे हित की इन्हें पता, अपने हमारे हित की हमें पता, खुद को इन्हें पता हमारे हित की, ये करेंगे हमारा भला। बिल्कुल भले की ही नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, बहुत नुकसान जा, बिचौलिए बढ़ गए बीच में, 1800 रुपये कुंटल का रेट था, 800 रुपये कुंटल खरीद रहे हैं बिचौलिए दलाल। ठंड लगे, गर्मी है, बरसात आए, मनोल क्यों टूटेगा? हमारा खेत भी ना टूटता तो यहाँ तो ठाली पड़े और हमें तो और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। कौन सी सरकार सबसे अच्छी थी किसानों के लिए सोचा? इससे तो कांग्रेस भी अच्छी थी, मोदी से तो कांग्रेस भी अच्छी थी, वो किसानों को कुछ करती थी या तो कुछ ना करती किसानों को। मोदी सरकार ने तो इतने सारी योजनाएं बनाई किसानों के लिए, किसी का फायदा मिला ना? हमें कुछ नहीं मिला, एक मिला हमें तो फायदा 2000 का, 2000 का फायदा मिला और कुछ भी नहीं मिला, कुछ ना मिला हमें। उनके हिसाब से ये जो MSP और ये जो कानून बना है वो एकदम सही है ना? ये गलत है। क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? जैसे गेहूँ है फसल टाइम से बिक जाए, मंडियों में बिक जाए, इतना रुल रही है। अब तो व्यापारी हैं जो 1800 ले रहे हैं, 800 को बिका मुंजी,
हजार को बिकी, 800 रुपए का नुकसान होया मुंजी का, किसानों का। कब तक विरोध में रुकेंगे आप यहाँ? ठंडी हो रही है, हमारी बात नहीं सुनवाई जाएगी। ये जो कानून है इनको, इनमें संशोधन नहीं करेंगे, जो हमारे हित की बात है उन्हें पूरी नहीं करेंगे जब तक डटे रहेंगे। तब तक रहेंगे? राशन पानी कितने महीने का लेके आए? एक महीने का राशन है कम से कम, इसमें राशन रखा हुआ है। चावल है, आलू है, दाल है। बनाते कहाँ है? बनाते मिर्चा है, सिलेंडर चूल्हा सब रखा हुआ है, बर्तन रखे हुए हैं। किसानों को क्या था कि हम आए दुगनी करेंगे, दुगनी के बजाय इन्होंने तो खत्म कर दिया किसान को बिल्कुल, और झूठ बोल रहे हैं। हमें तो जी जो सरकार किसान हित में काम करेगी हम तो उसे वोट करेंगे, कोई भी सरकार हो। लागत मोदी जी ने जरूर दुगनी कर दी, आए तो आधे से कम रह गई, क्योंकि जब से ये आए हैं पेस्टिसाइड हो, कोई रासायनिक खाद हो, आपका बीज हो, सारी की सारी चीज़ें महंगी हो गई, डीजल हो। लेकिन जो किसान के उपज के रेट थे वो 3 साल से 4 साल से वहीं के वहीं हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा फिर कार्रवाई की जाएगी, लाठीचार्ज की जाएगी, आंसू के गोले छोड़े जाएंगे, फिर क्या करेंगे? हमारे पास पहले से बहुत मुकदमे लगे हैं, हम मुकदमों से नहीं डरते। डंडा हम पर नहीं है, जो झंडे से नहीं मानेगा डंडे से मानेगा। हमारे तो दो हाथ हैं, एक एक लोंडा इतना इतना मजबूत पड़ा, चार चार को बांध देगा। इतनी फसलों का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे आप? क्या करा जाए, घर भी मरे पड़े हैं, यहाँ भी मरने पड़े हैं। मर तो घर भी रहे हैं, घर भी रहे हैं। कोरोना भी चल रहा है, महामारी का नाम लिया जा रहा है, हाई महामारी। कोरोना से मर जाए या घर मर जाए, भूखे मर जाए, मरना है। सबसे बड़ी कमी तो हमसे यू हो गई, बालक वाला आदमी होना चाहिए। आदमी को तो कोई घर भी किराए पर देता ही हमने दे। सरकार बनाने वाले आप, प्रधानमंत्री चुनने वाले आप, फिर आप ही ऐसा बोल रहे हैं? नहीं क्या करें फिर, आदमी है ना, नहीं बैठाना चाहिए। इसे ना पता बालक बच्चों का खर्चा क्या हो। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कोरोना किसान को नहीं होता? क्यों करता है किसान? फिजिकल वर्क उसका इतना ज्यादा है, उसे नहीं होता किसान के शरीर में कि उसे कोरोना होता ही नहीं है। वीआईपी नेताओं को, वीआईपी में रहने वालों को, एसी में रहने वालों को रोग होता है। एसी में रहने वाले को रोग है कोरोना? ना ये एसी में रहने वालों को रोग होता, जिनके ये चमड़ी के स्रोत खुले हुए नहीं होते हैं उन्हें ये रोग ग्रस्त होता। किसान के तो चमड़ी में से पसीना बहता है, मेहनत करता है, इसे रोग नहीं लगता। किसानों का प्रदर्शन जारी है, किसानों का कहना है, यहाँ मौजूद जितने भी किसान है सबका कहना है कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, कोरोना बस जो एसी में बैठते हैं उनको ही होता है, इनके साथ कोई भी कोरोना जैसी बीमारी इनको हो नहीं सकती। और ये अपने प्रदर्शन को लेके इनका कहना है कि सरकार अगर इनकी बात मानेगी तो ये वापस अपनी जगह चले जाएंगे जहाँ से ये आए हैं, अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो ये 26 जनवरी को दिल्ली में कूच करेंगे। हमारे साथ अभी दिनेश खेड़ा जी मौजूद है। इतना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ रणनीति बनी है? रणनीति तो बनाएंगे हाईकमान, हमारी रणनीति तो केवल यहाँ आने की है, संघर्ष करने की है। ये तो हाईकमान का काम है, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, हमें जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन इतने हो रहा है, कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन? इस बात को भी हाईकमान ही बता सकती है, हम कैसे बता देंगे? सरकार से अपील क्या है? नहीं, जब तक ये हमारा कानून भी नहीं पारित करते हैं, किसानों का केवल एक कानून पारित करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे कोई भी फसल किसान की बिके ना, और यदि बिके तो खरीदने वाला जेल जाए। हाईकमान से तो बात हो रही, सरकार कह रही है कि हम बात कर रहे हैं लेकिन किसान हमारी बात नहीं सुन रहे। नहीं कैसे नहीं सुन रहे, वार्ता को तैयार है वे, तरीके से वार्ता करें वे, तो हमें फूट डालने को तैयार है, हमें फूट डालना चाह रहे हैं, हमें बंटवारा करना चाह रहे हैं। क्या लगता है आप? हम तो आर पार लड़ेंगे, हमें नहीं पता क्या लगेगा। आर पार की लड़ाई जब तक नहीं होगा हमारा खाना कपड़े, आप देख रहे हो मैं बालक बच्चों के हम तो आ गए और ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसा नहीं आ गए, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, आर पार लड़के जाएंगे। नहीं संशोधन नहीं, वो वापस लेने की 3 कानून है। अभी बिल तो उन्होंने अलोकतांत्रिक पद्धति से लॉकडाउन में संसद में सवाल न पूछने देते हुए जो पारित किया है वो सही नहीं है, एक प्रकार से अवैध तरीका अपना रहे मोदी सरकार। उसमें न राज्य सरकारों के अधिकार होते हुए कृषि संबंधी कानून बनाने के, उन्होंने उनको नहीं लिया साथ में, उन्होंने किसान संगठनों से बातचीत नहीं की। अब महेंद्र टिकैत जी कहाँ, कितने समय से, कितने दशकों से लड़ते रहे। पार्टियों का ये मामला नहीं है, ये तो निष्पक्ष किसान आंदोलन है, जन आंदोलनों की राजनीति है। अब जिन भी पार्टियों को सपोर्ट संग देना है वो हम लेते हैं, नहीं क्यों कहे,
21 पार्टियों ने जो दो विधेयक हम लोगों ने डाले हैं लोकसभा राज्यसभा में, जिस पर शीतकालीन स्वतंत्र किसान संसद सत्र होना चाहिए, हो सकता है, नहीं कर रहे, तो वो दो विधेयकों पर 21 पार्टियों की हस्ताक्षर है, प्रमुखों की, जिसमें शरद पवार जी से लेकर अरविंद केजरीवाल जी तक है, सीताराम येचुरी से लेकर अरविंद सावंत शिवसेना तक है। इतने सारे किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था कैसे करा रहा है? हम सभी भाई, वैसे तो स्टार्टिंग हमने करी थी बंगला साहब गुरुद्वारे से, और जब से लंगर की सेवा चालू हुई है अब हमारे और भी भाइयों का सहयोग है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, यहाँ सब किसान भाइयों के साथ में, अन्नदाता के साथ में हैं। जो सरकार ने काले कानून बनाए हैं किसानों के खिलाफ, उसी के विरोध में आज हर भाई, किसान नहीं कोई व्यापारी है या और भी कोई बिजनेस से अटैच है, लेकिन सब किसान भाइयों का साथ दे रहे हैं। तो हम मोदी सरकार से यही बात कहना चाहते हैं कि जो भी किसानों का मुद्दा है उसको, उस पर गौर किया जाए और किसानों से बात करी जाए, जो भी किसानों की मांगे हैं उस पर अमल करके किसानों का हक दिया जाए। कि किसान और जवान, जिसको हम जय किसान जय जवान बोलते थे, वो नारा बेमानी हो गया। आज जवान और किसान दोनों आमने सामने हो गए, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए कि जवान और किसान को आमने सामने कर दिया। हालांकि जो हमारे जवान भी हैं उनमें से आधे जवान तो किसान परिवारों से ही है, जिम्मेदार परिवारों से, सारे एक ही परिवार से हैं। अगर पिता आंदोलन कर रहा है तो बेटा देश की रक्षा कर रहा है, और इनकी ये इनकी पॉलिसियाँ हैं कि इन आपस में ही लड़वा के, यहाँ पे कोई राजनेता आपको नहीं मिलेगा, केवल गरीब तबके का किसान मिलेगा, जो मजबूर है, दुखी है इनकी नीतियों से, वो ही यहाँ पे है, कोई राजनेता यहाँ पे नहीं। विडम्बना देखिए हमारी, कि जो अन्नदाता है, जो हमारे अन्नदाता है, जो लोगों को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये अन्न देते हैं, लंगर देते हैं, आज उन अन्नदाताओं के लिए हमें लंगर की सेवा करनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से। और सर, मैं तो मोदी जी से ये मतलब बेनती करना चाहता हूँ कि अब भी जाग जाइए, क्योंकि ये अन्नदाता जिस दिन नाराज हो गया उस दिन आपकी ना गद्दी रहेगी ना सरकार रहेगी। आपको आज भी ये सोचना चाहिए कि वो अन्नदाता जो सारी दुनिया को खिलाता है, वो यहाँ सड़कों पे इस तरीके से रात को सर्दियों में मर रहे हैं, आज उनको चाहिए था खेतों में, उनकी कितना नुकसान हो रहा है। और मतलब एक छोटे दो तीन ऑर्डिनेंस में उनको, मोदी जी को कैसा लालच है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि लाखों लोगों को छोड़ के, लाखों 62 करोड़ किसान हैं हमारे, उनको छोड़ के, उनकी मांगों को छोड़ के 15 उद्योगपति हैं, उन 15 उद्योगपतियों को खुश करने में लगे हुए हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये सरकार की नीति से खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है जी, बिल्कुल ऑर्डिनरी काला कानून है जी ये। लंबे, ये लॉन्ग टाइम में जाके देखना, जो हमारे किसान भाई हैं, हम सभी अपने ही खेतों में मजदूर बन जाएंगे अगर ये नीति चलती है, हम ऐसा लेकिन होने नहीं देंगे, या मर जाएंगे हम, शहीद हो जाएंगे, वैसे भी मरना ही है तो हम यहाँ मर जाएंगे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये लंगर, लेकिन ये लंगर चलता रहेगा। यहाँ पे मौजूद हैं दो बुजुर्ग मौजूद हैं, उम्र देखिए, सरकार से क्या कहेंगे, कितना गुस्सा है बाबा? बहुत डबल गुस्सा है जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार? ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें की संग है, जो जिन पर पैसा उन्हें की संग है, और गरीब किसान मारो जा रहे हो। इस उम्र में आप सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे हैं, आपकी हालत देखिए, आपको कितना गुस्सा आ रहा है सरकार से, और क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग है आपकी? गे मांगे किसानन की, सुने किसानन की, जब मानेंगे नहीं, बिल्कुल ना मानेंगे, चाहे मारे जाएं, यहीं पे रहेंगे, यहीं रहेंगे जी। कब तक प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार कहती है? सुनेगी सुनेगी नहीं, फिर हंगामा करने लगेंगे, हंगामा काट लेंगे, डट के बजाएंगे जी हम तो इस बार। आर या पार जोगो, हाँ साहब, फोर्स लगा दे, कछु कर दे, ना हम गोली से डर रहे, ना कायदे डर रहे, जो बने वो आपको करिए, और जब हम बने वो हम करेंगे, देख रहे हैं दो एक दिन, और जो थोड़े सड़क पर सोच लेंगे, हम मलबे मालबे पर वो आए बालक तड़पेंगे, आप ये देख लो, हम तो बहुत समझा रहे हैं भाई, चलो ठीक है कोई बात ना, पर वो तो बिल्कुल ही ऊपर चढ़ी गो। सरकार की कथनी में और कुंडनी में अंतर है, जिस प्रकार से यहाँ से किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा, इससे तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से निकाल दें, हम कहाँ जावे, सही है बात, हम कहाँ जावे ये बताओ, हमारे पास तो कोई रास्ता है ही नहीं, 3 अध्यादेश लागे, क्या करना चाह रही सरकार बताओ? अंबानी अडानियों की अगर कमी रह गई थी, हर सेक्टर का निजीकरण कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में दे दिए, अब बचा किसान,
किसान ही तो एक ऐसी शख्सियत थी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो सब आपके सामने मंजर, व्यवस्था देख नहीं रहे आप? अपना घर, अपना परिवार, अपनी खेती बाड़ी जो एकमात्र किसान का साधन होता था अपने परिवार चलाने के लिए, उसे छोड़ के सब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा। सरकार सुनी नहीं, 3 अध्यादेश लाए, सरकार तो बीच में से खत्म हो गई। सरकार व्यापारी और किसान के बीच में जो सरकार का रोल था MSP का, वो तो खत्म कर दिया सरकार ने, तो किसान कहाँ जाएगा? जब मंडियाँ ही नहीं रहने की इस देश के अंदर, तो फिर किसान अपनी फसल लेके जाएगा कहाँ? आपका ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? हमारा प्रदर्शन, हमारा प्रदर्शन ये जब तक जारी रहेगा जब तक ये चौथा प्रावधान भी सरकार लिखित में नहीं लाती कानून। 3 कानून तो बना दिए, चौथा प्रावधान ये लाए सरकार कि MSP से नीचे जो भी व्यापारी किसान की फसल को खरीद करेगा उसे कानून के तहत जो भी दंड होगा या सजा होगी वो प्रावधान हम लिखित में चाह रहे। और मौखिक रूप से मैं आपको बता दूं, 2 दिन के बाद में पलट गया, तो मौखिक रूप से कौन जिम्मेदारी ले लेगा? हम 70 साल की उम्र में इस रोल पर पड़े, जब तक इसका निपटारा नहीं होगा चाहे हम लोग यहाँ मारे जाएं, हम बिल्कुल लौट के अपने घर नहीं जाएंगे। जय जवान किसान, जय जवान। चाहे हमें 6 महीने लग जाएं, हम सारा अपना राशन लेके यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम अपनी बातें मनवा के ही वापस जाएंगे। जिद पे हैं आर या पार? बिल्कुल पक्के आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। इसमें ये नहीं है कि एक कौम है, सारा हिंदुस्तान इसमें लगा है, और सब राजस्थान और तमिलनाडु से, उत्तराखंड से, UP से, सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कुछ बरगला रहे लोग, यहाँ पर ये एक समुदाय की बात है, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग इस लड़ाई किसान लगे पड़े हैं, और हमारा सहयोग भी, किसानों का सहयोग व्यापारी लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। किसानों की मांग भी जायज़ है, उनका प्रदर्शन भी जायज़ है, कहीं ना कहीं उनको सरकार को लेके उनके अंदर जो गुस्सा है वो फूटा है, तभी अन्नदाता सड़क पर उतरे हैं। उनकी मांग है कि 3 कानून को वापस लिया जाए और जल्द से जल्द उनकी जो जितनी सारी मांगे हैं उन पर सुनवाई की जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी बात नहीं की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो चर्चा हो रही है उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। कैमरामैन सरताज के साथ मैं नेहा परिहार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।